दोस्तों, आप लोगों की काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग अपने Redmi Note 2 की डिवाइस में गूगल कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं और मैं आप लोगों को इसकी रिव्यू दूं और कैसे आप लोग अपने Redmi Note 2 की डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और दोस्तों, अगर मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ तो हमारे यहाँ गूगल कैमरा में सारे फीचर्स काम करते हैं और हमें यहाँ पर अपने गूगल कैमरा में जीके में AR स्टिकर की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे और अपने यूट्यूब की स्टोरी पे मैंने इस वाले पोस्ट को जब पोस्ट किया था, तब आप लोगों को काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाऊं। तो फाइनली दोस्तों आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप लोगों के लिए इसकी फुल ट्यूटोरियल लेकर। सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट इसकी होने वाली है। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों दबा दिएगा ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए ओनिटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग इसे अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या हमें काम करती हुई दिख जाती है। तो दोस्तों नॉर्मल कैमरा की हम लोग बात कर लेते हैं और कंपेयर करते हैं हम लोग MIUI की स्टॉक कैमरा से दोस्तों, तो इसकी रिव्यू मैं ऑलरेडी आप लोगों को कर चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देखकर कंपेयर कर लेना कि कौन सी कैमरा आप लोगों को ज्यादा पसंद है। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो मुझे GCam काफी पसंद आया अपने बाई टू डिवाइस के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा बिल्कुल अंत तक देखना। तो कुछ कैमरा सैंपल की दोस्तों बात कर लेते हैं, मैं आप लोग यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल लेके यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइव, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किस तरह से हमें यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को HDR प्लस की सपोर्ट भी देखने को मिल जा रही है और अगर फोकस वगैरह की दोस्तों बात कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छी फोकस यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। देख सकते हैं हम लोगों को फोकस भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, टैप टू फोकस भी करता है दोस्तों, तो वो भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट की दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पोर्ट्रेट भी दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। फिल्टर्स वगैरह दोस्तों बात कर लेते हैं, आप लोग ऊपर में काफी सारे फिल्टर्स यहाँ पे फेस की फिल्टर्स देखने को मिल जाती है। वीडियो की दोस्तों बात कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर 4K की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो अगर हम लोग वीडियो की सेटिंग में दोस्तों मैं आप लोगों को मोड मिला के दिखाता हूँ सेटिंग में जाने के बाद, तो आप लोगों को यहाँ पर बैक कैमरा में 4K की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैमरा में दोस्तों 4K की सपोर्ट नहीं है, हमें यहाँ पर फुल HD की सपोर्ट देखने को मिलती है। तो 4K 30fps की सपोर्ट हमें हमारे बैक कैमरा में रियर कैमरा देखने को मिल जाती है। सर सपोर्ट दोस्तों हमें 60fps की देखने को मिलती है, लेकिन 60fps पे करते दोस्तों हमारे फोन में यहाँ पर कैमरा फ्रेम हमारा जो है यहाँ पर डांस करना शुरू कर देता है। तो पता नहीं कुछ एरर हो या फिर कोई सेटिंग इसमें करनी हो तो उस सेटिंग को हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। अगर कुछ मुझे फिक्स देखने को मिलती है इसकी सेटिंग वगैरह तो मैं आप लोगों को कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट और डिस्क्रिप्शन को आइटम को चेक करते रहना। और मोड में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नाइट साइड की सपोर्ट देखने को मिलती है, स्लो मोशन को दोस्तों यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो स्लो मोशन के लिए आप लोगों को 120fps में सपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाने के बाद वीडियो में जाने के बाद एडवांस में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एडवांस में स्लो मोशन की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को ये वाली स्लो मोशन की सपोर्ट 120fps करनी है। अगर आप 240fps करेंगे तो आपके फोन यहाँ क्रैश करेगी, एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो आप लोगों को 120fps पे सपोर्ट करना और यहाँ पे आप लोग स्लो मोशन को रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, तो आपके फोन में स्लो मोशन भी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ स्लो मोशन में कुछ यहाँ पर वीडियो की शूट लेकर, वीडियो शॉट लेकर मैं आप लोग यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ स्लो मोशन में। तो ठीक ठाक सपोर्ट दोस्तों आप लोग स्लो मोशन में देखने को मिल जाए, स्लो मोशन अच्छी तरीके से इसमें काम कर रही है। और दोस्तों मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, हमें वो AR स्टिकर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो AR स्टिकर्स में जाते हैं हम लोग तो हमें यहाँ पर काफी सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाती है। आप लोग किसी भी स्टिकर से यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्क्रीन कैमरा फ्रेम पे। इसकी भी सपोर्ट दोस्तों हमें अपने कैमरा में GCam में देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए दोस्तों इस GCam को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हमारे फोन में कैमरा टू API एनेबल होनी चाहिए और हमारे फोन में 64-bit की सपोर्ट होनी चाहिए। तो 64-bit के लिए दोस्तों AR स्टिकर्स के लिए दोस्तों हमारे फोन की रोम को आर्किटेक्चर को 64-bit सपोर्ट होना चाहिए, जबकि हम लोग को MIUI में देखने को नहीं मिलती। तो इसके लिए दोस्तों मैं जो रोम यूज कर रहा हूँ वो AEX रोम आपको देखने को मिल जाती है। तो आप लोग मेरी AEX वाली रोम की रिव्यू नहीं देखे हैं तो आप लोगों को इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। कस्टम रोम की दोस्तों मैंने काफी सारी रिव्यू कर रखी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कस्टम रोम की रिव्यू नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग चैनल पर चेक करना। Y2 के लिए दोस्तों मैंने काफी सारे कस्टम रोम की रिव्यू कर रखी है और Y2 के लिए और भी फ्यूचर में दोस्तों आप लोगों को
कस्टम रोम की रिव्यू आने वाली है, और किसी कस्टम रोम में आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, उसके फिक्स दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी आने वाले दिनों में। बाकी तो सारे फीचर में यहाँ पे काम करते हैं, अगर फ्रंट कैमरा वगैरह दोस्तों बात कर लेते हैं तो फ्रंट कैमरा भी हमें यहाँ पे काम करती दिख जाती है, वीडियो वगैरह दोस्तों बात करते हैं तो वीडियो भी काम करती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे कैसे हम लोग अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दे रखी है, आप लोगों को उसे अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारे फोन में तीन फाइल डाउनलोड होगी, वहां से दोस्तों एक एपीके फाइल और एक जिप फाइल देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों हमें दो और एपीके फाइल देखने को मिलेगी, तो इन तीनों फाइल्स को हम लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तीनों एपीके को हम लोग अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस जीकेएम वाले वर्जन को अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। सारे परमिशन जो आप लोगों को मांगते हैं परमिशन देने के बाद आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद हम लोग ये दो एपीके में से किसी एक एपीके को पहले इंस्टॉल करेंगे। कोई सी भी आप लोग कर सकते हैं, किसी बॉर्डर में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ये करना है कि पहले वो करना है। आप लोगों को बस सिर्फ इस तीन फाइल को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। दो फाइल को मैंने इंस्टॉल कर लिया, तीसरी फाइल आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, देख सकते हो दोस्तों। तीनों फाइल जब इंस्टॉल हो जाएगी जीकेएम एआर कोर, उसके बाद दोस्तों हम लोग अपने जीकेएम को अपने फोन में यहाँ से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जाना पड़ेगा। सारे परमिशन आप लोग यहाँ पे अलाउ कर दिए, परमिशन चेक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सारे परमिशन अलाउ कर दिए। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेवलपर को आप लोगों को धन्यवाद कर देना है, जिस डेवलपर ने हमारे डिवाइस के लिए सपोर्ट किया। उसके बाद मोर में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एआर स्टिकर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने रेडमी वाई टू की डिवाइस में जीकेएम एआर स्टिकर्स वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें सारे फंक्शन हम लोगों को अच्छी तरह इसमें से काम करती है, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। कुछ भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कुछ भी दिक्कत देखने को मिलती है दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग मुझे वहां भी ज्वाइन करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है।